आजकल शादियों में एक नया ट्रेंड चला है, रियल फ्लावर के ब्रोचेस और रियल फ्लावर की हेयर एक्सेसरीज सबकी बहुत ही मांग है। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप जानते हैं कि रियल फ्लावर बहुत ही महंगे आते हैं, एक दो दिन में वो मुरझा भी जाते हैं, तो किस तरीके से हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे और किस तरीके से हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 8 दिन 15 दिन या 1 महीने पुराने हो गए हो, हम उन्हें फेंक तो नहीं सकते हैं और क्लाइंट को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी रियल जैसा लुक हम पुराने फ्लावर से दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, वेस्ट इंटू बेस्ट का जुगाड़। मेरी ये क्लाइंट है, इनको चोटी में लगाने थे रियल फ्लावर, वो लेके आई थी सिर्फ रोज़। मुझे लगा सिर्फ रोज़ इतना अच्छा नहीं दिखेंगे, इनके साथ और भी कोई फ्लावर जाने चाहिए, तो मेरे फ्रिज में मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे में ये पुराने 1 महीने पहले के जिप्सी फ्लावर रखे थे। मैंने क्या किया, इनको आई शेडो से ग्रीन कलर किया, क्योंकि मेरी क्लाइंट की जो साड़ी थी उसकी बॉर्डर में ग्रीन कलर था। ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से आई शेडो से मैंने फ्लावर को ग्रीन कलर किया है, और कोई कलर लेने की ज़रूरत नहीं, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आई शेडो से ग्रीन कलर करने से क्या हुआ कि फ्लावर के जो मुरझायापन था वो चला गया, और देखो कैसे फ्रेश लुक उसका दिख रहा है कि थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा ग्रीन, और वो उनकी साड़ी के जो कलर थे उसमें भी वो मैच हो गया और अच्छा दिख रहा है। क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। तो कैसा लगा आपको वेस्ट इंटू बेस्ट का जुगाड़? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।